हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिवानी वर्मा और आपका बायो बीकर चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज एड्स। आज हम पढ़ेंगे एक इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में जिसका नाम एड्स है और जानेंगे उससे रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए डिसीज़ भी दो तरीके की होती है। एक जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है, कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है, जिसका एग्जांपल एड्स है। दूसरी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जा सकती है, थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट और ऐसे मतलब कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, ठीक है, लाइक कैंसर ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे हम एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 यूएसए। 1981 में पहली बार यूएसए में पाया गया था और इंडिया में 1986 में इट किल्ड मोर देन 25 मिलियन पर्सन्स। इसने इंडिया के अंदर 1986 में 25 मिलियन से ज़्यादा पर्सन्स को मार डाला था, मतलब 25 मिलियन से ज़्यादा पर्सन इसके शिकार होकर के उनकी डेथ हो गई थी। अब देखिए इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब कि इसे कॉज कौन करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म से कॉज करता है। तो जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एक वायरस है, उसको इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं, जिसका HIV का फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इस वायरस में कुछ कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एनवलप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और जेनेटिक मटेरियल की जगह, मतलब जेनेटिक मटेरियल RNA प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रोटीन कोड। तो देखिए यहाँ पर लिखा हो वायरस, वायरस में न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, ठीक है, और इस सिंगल स्टैंडर्ड RNA की दो कॉपीज प्रेजेंट है, देख रहे हैं आप, एक कॉपी दो कॉपी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ, HIV वायरस के पास एंजाइम होता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, मतलब कि HIV वायरस के पास एक एंजाइम है जिसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, और इसमें प्रोटीन की कवरिंग के साथ दो एक और कवरिंग होती है, मतलब कि प्रोटीन की कवरिंग के साथ साथ एक और कवरिंग होती है, और इसको हम और इसीलिए इस वायरस को हम लोग एनवलप्ड वायरस बोलते हैं या राइनो वायरस भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि HIV के फैलने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका जो दिया है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट दिया है, मतलब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो जाता है तो HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। अगर ऐसे किसी भी, जैसे मान लीजिए, जैसे नहीं होता है कि ब्लड डोनेट करते हैं, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से ब्लड ले लिया जो HIV पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो डिसीज़ आपके अंदर आ सकती है। इसीलिए जब ब्लड डोनेट होता है पहले देखा जाता है कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसमें कोई बीमारी मारी तो नहीं है, इसीलिए देखा जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंज। अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर वो सिरिंज लगाई गई और फिर उस सिरिंज को दोबारा रीयूज़ करके किसी एक अनइन्फेक्टेड पर्सन पे फिर से इंजेक्ट कर दिया गया तो वो डिसीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है, बाय इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अब चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक माँ के अंदर वो डिसीज़ है जो कि अनअवेयर है, उसे पता नहीं है कि वो डिसीज़ उसके अंदर है और वो चाइल्ड के अंदर चली गई थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। अब देखिए कि पीपल एट हाई रिस्क, कौन से पीपल होते हैं जो मतलब जिनमें जिनको ये डिसीज़ नहीं है बट उनको हो सकती है, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ऐसे इंडिविजुअल जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं। ड्रग्स एडिक्टेड, जो ड्रग्स के बहुत एडिक्टेड होते हैं, ठीक है। और तीसरा दिया, इंडिविजुअल हु रिक्वायर्ड रिपीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो बार बार अपना ब्लड डोनेट करते हैं या जो बार बार ब्लड लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, जिसकी मदर इन्फेक्टेड हो, ऐसा चिल्ड्रन, ऐसा न्यू बॉर्न बेबी भी बहुत वो हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं उसके इफेक्ट होने के। अब देखिए इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन टू सिम्टम, ठीक है, इन्फेक्शन होने से सिम्टम दिखने तक का जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये टाइम पीरियड होता है फ्यू मंथ टू फ्यू ईयर्स। ये जो मतलब इन्फेक्शन हुआ
बट सिम्टम्स दिखाने तक में जितना समय लग सकता है वो कुछ महीने से लेकर कुछ साल भी लग सकते हैं सिम्टम्स दिखने में और पता चलने में। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, फीवर, डायरिया, ठीक है, वेट लॉस होना आर सम सिम्टम्स ऑफ एड्स, ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब वो टेस्ट जिनको करके हम पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्टेड है या नहीं। पहला एलिसा, जिसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, और ये एक एंटीजन एंटीबॉडी इन्फेक्शन टेस्ट होता है। ठीक है, इस पर मतलब एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन्फेक्शन पर बेस्ड होता है। ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि हम मतलब कि कुछ ड्रग्स हैं जो कि एज अ ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा एड्स का। अगली लेक्चर में हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।